नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। यूपी में बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर हाहाकार मचा है। इसी बीच सोमवार को कानपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बड़ा बयान दिया। आर के सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। कानपुर और लखनऊ में इसलिए ज़्यादा कटौती हो रही है क्योंकि यहाँ बिजली चोरी ज़्यादा हो रही है। कटिया डालने से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है और वो फूक रहे हैं। हमारे पास अब इतना पैसा नहीं कि आप कटिया लगाएं और हम ट्रांसफार्मर बदलते रहें। मंत्री सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपराधियों से घोर नफरत करती है। हम आने वाले समय में देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उन्होंने कहा कि परिवार वाली पार्टियों को इस देश से भगा देना है। मंत्री ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, यूपी की पूर्व सरकारों ने समाज को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने 60 सालों में देश को पीछे और खुद को आगे ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, जबकि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में तीव्र विकास किया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के कारण आज विश्व पटल पर भारत का डंका बज रहा है। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए यूपी को 24,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। चोरी, फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती समस्या को दूर करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।